हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताऊंगा रियलमी के सारे फोन को जो अभी आज ही न्यू अपडेट मिला है, उस अपडेट में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और उस अपडेट से कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते स्टार्ट। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे यानी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट दूंगी, तो जल्दी से जाइए और रेड कलर के बटन पर प्रेस करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दो ताकि आने वाले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देख सकते होंगे आप स्क्रीन पर, मैंने अभी अभी डाउनलोड किया है। मैंने स्क्रीन शॉट निकाल के रखी क्योंकि जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो अपडेट करते समय वर्क नहीं करता है। मैं आपको बता दूँ और अपडेट करते समय आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको टोटल इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। आप देख सकते होंगे रिकमेंडेशन, दिस रिलीज इंक्लूड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच एंड फिक्स सम नो इशू। आपको इस अपडेट से क्या होने वाला है, जो जो इश्यूज आता था, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, आपको अगर नेटवर्क इशू आ रहा है या फिर आपको हीटिंग इशू आ रहा है या फिर आपको साउंड का इशू आ रहा है तो आपके सभी इशू इसमें फिक्स हो जाते हैं, यानी कि आपके जो भी सॉफ्टवेयर इशू होते हैं सभी इसमें फिक्स हो जाते हैं अपडेट की वजह से। बट अपडेट करते समय आपको एक ध्यान जरूर रखना है, अपडेट होने के बाद आपको एक मतलब वापस स्क्रीन पर शो होता है, डू नॉट एनी ऑपरेशन इन दिस प्रोसेस, यानी कि जब आप वो प्रोसेस करते हो तो कोई भी ऑपरेशन यानी कि कोई भी प्रोसेस आपको नहीं करनी है। अगर आप प्रोसेस कर लेते हैं तो आपको क्या होता है, आपको आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है या फिर नेटवर्क की हो या फिर बैटरी बैकअप की। तो आप देख सकते हो क्या क्या फीचर्स मुझे मिले। अभी मैं रियलमी एक्स यूज़ कर रहा हूँ, आपको मैं डायरेक्टली सेटिंग में जाके बता देता हूँ मैं कौन सा स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ अभी। ये देखिए अबाउट फोन में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं रियलमी एक्स यूज़ कर रहा हूँ जिसका वर्जन भी आप देख सकते होंगे, टोटल वर्जन आप देख सकते होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैंने अभी अपडेट किया है उसमें हमें क्या क्या अपडेट मिले, सिक्योरिटी एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच फेब्रुवरी 2020 यानी कि 2020 में हमें फेब्रुवरी में हमें यह अपडेट मिला है। सिस्टम में क्या क्या मिला है, अपडेटेड सम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन टू द लेटेस्ट वर्जन, यानी कि जो हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वो कुछ कुछ टाइम वर्क नहीं करता है, बट इस वाले अपडेट से अभी वो वर्क करने वाले हैं रियलमी के सभी स्मार्टफोन में। और फिक्स सम नो बग्स एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, फिक्स सम नो बग्स यानी कि आपको जो बग्स आते थे फॉर एग्जाम्पल कैमरा बग्स या फिर कोई भी बग्स आते हैं तो आपको इसमें इम्प्रूव होने वाले, वो स्टेबिलिटी कैमरा क्वालिटी सभी इम्प्रूवमेंट होने वाली इस अपडेट में। नेटवर्क एडेड एयरटेल एंड जियो ओ वाईफाई फीचर, वो वाईफाई फीचर एक न्यू फीचर है जो कि सेटिंग में अगर आया होगा तो मैं देख सकता दिखा देता हूँ आपको। वन मिनट वो वाईफाई अगर ये फीचर्स नहीं मिला है अभी तो जल्दी हमें मिलने वाला है क्योंकि बहुत ही बढ़िया फीचर्स है, या फिर इससे हमारी नेटवर्क स्पीड भी बढ़ जाती है। एडेड एयरटेल एंड जियो वो वाईफाई फीचर, तो ये फीचर्स शायद सेटिंग में नहीं आता है बट ऑटोमेटिकली मतलब जो वाईफाई की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ा देता है। तो आज के वीडियो में बस ये बताने वाला था कौन कौन से हमें अपडेट में कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं रियलमी के स्मार्टफोनों में। रियलमी भी बहुत बढ़िया अपडेट दे रहा है रेडमी को टक्कर देने के लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करो, शेयर करो ताकि इसी तरीके की वीडियो पर रोज देख सको। साथ ही साथ जो जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे जल्दी जाइए और रेड कलर के बटन पर प्रेस करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दो ताकि आने वाले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।